वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जो आज का वीडियो है उसमें आई एम जस्ट शेयरिंग छोटे छोटे चीज़ें विच आई डू इन माई मॉर्निंग रूटीन, स्पेसिफिकली व्हेन आई एम वर्किंग। तो थोड़ी लाइफ काफ़ी डिफरेंट है अब्रॉड। तो आई हैव जस्ट रिसेंटली मूव्ड हियर एज यू आर अवेयर। और तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी मॉर्निंग कितनी फास्ट एंड फ्यूरियस वर्जन में चलती है। और बस आई होप आप इन्जॉय करेंगे ये वीडियो। इट्स नॉट द परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे कोशिश करती हूँ कि मेरे जो मील्स हैं मैं उनका ध्यान रख सकूं व्हाइल आई एम वर्किंग, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते। और बस छोटे छोटे टिप्स हैं। आज सैटरडे है तो इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी हियर। बहुत कम लोग काम करते हैं सैटरडेज को। सो या नाउ एंजॉय द वीडियो एंड आई विल सी यू सून। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो वीडियो है उसमें आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो ये मॉर्निंग रूटीन वर्क एडिशन है। आई हैव टू गो टू वर्क एट 8:15। आई लीव माई हाउस। तो अभी टाइम हुआ है रफली 6:35। और सबसे पहले मैं उठ के आई जस्ट कि आप देख ही रहे हैं कि मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो बनने के लिए रख देती हूँ। एंड एक्सक्यूज माई वॉइस, क्योंकि अभी भी मैं नींद पे ही हुआ थी। और मैं बादाम रात को भिगो के सोती हूँ। तो मेक श्योर कि अगर आप बादाम खा रहे हैं तो आप उसको सोक कर रहे हैं ओवरनाइट एंड देन यू पील देम इन द मॉर्निंग। और ये मैंने वाटर रखा है बॉइलिंग के लिए। आज आई एम गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग ओट्स। तो या ओट्स जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ज़्यादा फिलिंग होते हैं। और बस मैं अब थोड़ी सी तैयारी करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मेरा मैं लंच कैसे लेके जाती हूँ। और बस फिर हमको रेडी भी होना है। और मिलते हैं थोड़ी देर में। जो मुझे सुबह उठ के मैं करती ही हूँ इस एक अगरबत्ती लगाना, सो दैट तो जो अगरबत्ती है उसकी जो फ्रेग्रेंस रहती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक पॉजिटिव फील देती है। तो इट डज क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। और बस ये मेरा पानी बन चुका है, अब मैं इसको बंद कर दूंगी। ये मैंने सिर्फ ओट्स और वाटर को इकट्ठे डाला है, आप चाहें तो पानी और डाल सकते हैं। अब मैं थोड़े नट्स चॉप कर रही हूँ मेरे ओट्स के लिए। और जल्दी जल्दी करते हैं। Yeah.
ये एप्पल है, ये बादाम है, ये काजू है, ये डेट है, और ये ब्राज़ल नट्स हैं, और एक ये पिकन नट्स हैं। तो ये मैंने काट लिया, और ये मेरे चिया सीड्स हैं जो मैंने रख लिए हैं। मेरा ओट्स जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी मैं, और फिर हम खाएंगे इसको, बनाएंगे ओट्स को। एक और चीज़ जो अभी मैं बना रही हूँ, दैट इज़ प्लेन दलिया। आज मेरे पास ग्रेवी वाली करी है, विच इज़ सोयाबीन की करी, और उसको मैं दलिया के साथ, तो इटली प्लेन दलिया। मैंने अभी कुकर रख दिया है, और कुकर में मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, दलिया डालूंगी, हल्का सा रोस्ट करके, वाटर ऐड करके इसको स्टीम लगवा दूंगी, और बस मेरा दलिया। तो मैं इंस्टेड ऑफ राइस, आई एट टाइम्स प्रेफर ईटिंग दलिया, क्योंकि राइस जो होता है वो स्टार्च में हाई होता है, और उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो तो शुगर रिलीज होती है, मतलब बिकॉज इट्स अ कार्ब। तो ये जो है, ये उसमें में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो धीरे धीरे करके, तो इट मेक्स यू, गिव्स यू अ मोर फुलर फील। तो दैट्स अ टिप इफ़ यू गाइस वॉन्ट टू यूज़, कि अगर आप राइस की जगह पे यू वॉन्ट टू ईट दलिया, दैट्स रियली हेल्पफुल इन वेट लॉस। तो या अब हम बनाते हैं। मैं बस थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, तो ये इतना घी है जो मैं ऐड कर रही हूँ। गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी बन जाए तो वो आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, घी वैसे ही बहुत अच्छा है, तो एकदम आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बताइएगा कि मुझे आप ये सजेशन आपको कैसा लगा, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बहुत कुक करेगा। हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, और अब हम इसमें, आई हैव गॉट वाटर, अब हम वाटर का जो क्वांटिटी है वो उतना ही होना चाहिए कि बस ये दलिया जो है ना, ये टिप हो जाए। दैट्स द व्हाट यू कॉल मेजरमेंट मैं फॉलो करती हूँ, मतलब इट्स मोर ऑफ एन अप्रोक्सीमेशन, कि जो दलिया है वो सोख हो जाए। और अब हम इसको कुकर की एक सीटी दिलवाएंगे, 1 to 2, बट जब जैसी पहली सीटी आएगी विसल में, उसमें सिम कर दीजिएगा, और जो सेकंड विसल है वो सिम पे होगी, जैसी वो आएगी बस जस्ट स्विच ऑफ द गैस। ओके, नाउ लेट्स डू दैट। एक और चीज़ जो मैं रोज़ मॉर्निंग में प्रिपेयर करती हूँ इज़ माय रायता, विच आई टेक। तो आज जनरली मैं बीट रूट रायता ही प्रेफर करती हूँ, या क्यूकम्बर रायता, बट आज मेरा क्यूकम्बर भी फिनिश हो गया है, और बीट रूट अभी मुझे ग्रेट करने का टाइम नहीं है, तो ये योगर्ट है, इसको मैं बस थोड़ा सा पतला कर रही हूँ। मेरे पास कैरेट पड़ी हुई है, मैं फटाफट उसी को ग्रेट करूँगी, एंड देन आई जस्ट पुट इट इन दिस, और फटाफट रायता बनाती हूँ। तो अभी ये मैंने कैरेट ग्रेट की है, यहाँ पे अभी यही वाली कैरेट मिलती है, ऑरेंज वाली जो कोल्ड स्टोरेज वाली होती है, और बस
मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। और इसके हम अंदर अब फटाफट मैं कुछ मिंट, मेरे पास ड्राई मिंट लीव्स हैं, मैं वो ऐड करूँगी। और तो ये है वो मिंट लीव्स, मैं फटाफट इनको ड्राई लीव्स को थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर, दैट्स इट। तो ये हमारा दैट्स इट। तो यू कैन यूज एनीथिंग, आप लोग खीरा ग्रेट करके खा सकते हैं। आज मेरे पास नहीं था लाइक आई सेड, तो ये मैंने जीरा जो है वो भून के, दिस इज होम मेड, तो मैं बस इसको पिंच ऑफ ये डालूंगी एंड बस मेरा कर्ड बन गया है। कुकर की ये देखिए मैंने सिम पे रखा हुआ है, दो सीटी आ चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ एंड आई जस्ट प्लेस इट ताकि थोड़ा सा स्टीम रिलीज हो जाए एंड देन मैं उसको डाल सकती हूँ। और ये मेरा पानी अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं फटाफट पानी को पी रही हूँ, इट्स 7 o'clock ऑलरेडी। तो अब हम लंच पैक करने की तैयारी शुरू करते हैं। दिस इज हाउ दलिया लुक्स लाइक, इसमें से अभी बहुत स्टीम निकल रही है, तो ये है जैसे दलिया दिखता है ऑलमोस्ट कुक्ड। एंड बस अभी थोड़ा सा मैं इसको ठंडा होके आई पुट इट इन माई लंच बॉक्स और पैक करते हैं लंच फिर। जनरली 3 scoops हैं, 3 बड़े tablespoons आई एम यूजिंग एंड दैट इज इट। और अब हम इसके ऊपर जो करी है वो डाल सकते हैं, ये ठंडा भी थोड़ा सा हो सकता है, लेट इट कम टू रूम टेम्परेचर और फिर जो मेरे पास करी है वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया है तो अब आई एम जस्ट पुटिंग माय करी। मैं जनरली ज़्यादा ग्रेवी ऐड करना पसंद करती हूँ तो ताकि थोड़ा फिलिंग रहे और बिकॉज आपको भूख लगती रहती है वर्कप्लेस पे, तो या सेट एंड बस मेरा लंच भी रेडी हो गया है। अब 7:15 हो चुके हैं एंड आई एम जस्ट नाउ टू क्विकली गोइंग टू गेट रेडी, सो लेट्स गेट रेडी। दिस इज हाउ माई ब्रेकफास्ट लुक लाइक, ये ओट मील है, मैंने सारे नट्स इसमें डाल लिए हैं, ये 2 egg whites का ऑमलेट है और बस आई एम जस्ट नाउ क्विकली हैविंग एंड लीविंग फॉर वर्क। And also I am ready. So, बस फटाफट oatmeal खाते हैं and let's leave for work. मुझे बहुत पसंद है oatmeal. और या मैंने इसमें इस बार ही आमंड मिल्क यूज किया है जस्ट टू ट्राई कि आमंड मिल्क कैसा टेस्ट करता है और क्या
क्या ये मुझे सूट करता है। तो मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। सिंपल टी शर्ट एंड अ ब्लेजर, और ये मेरे लूप्स हैं, और ये मेरा स्टैंडर्ड हेयर स्टाइल है, क्योंकि व्हेन आई एम रनिंग लेट तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। और अगर आपको वीडियो देखना है ऑफ द मेकअप दैट आई जनरली डू ऑन एन एवरीडे बेसिस फॉर वर्क, तो लेट मी नो। ऑरेंजेस, योगर्ट, लंच एंड दिस इज मिड डे ब्रेकफास्ट। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बट आई एम बी रेडी फॉर वर्क। लुक्स लाइक आज थोड़ी बारिश हो चुकी है, और सो माई वर्क प्लेस इज अराउंड 15 मिनट्स वॉकिंग, तो फटाफट वॉकिंग करते हैं एंड चलते हैं। और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत सारे लोग हैं जो व्यू कर रहे हैं वीडियोज़ को बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ये देखिए, इट्स अ रेनी मॉर्निंग in Adelaide. So have a great day guys, and stay positive, stay healthy, and love yourself. Bye.